जब मेरे को फर्स्ट फिल्म के लिए कॉल आया था कि यू हैव so है रिस्पेक्टफुल है। no, well, we uh, जिस तरीके का सेट राम सर uh, बनाते हैं वो पूरा रियल होता है जो फिल्म बनाते हैं कभी कभी लगता है क्यों बनाते आज है टाइम नौ मैं हूं अर्जुन पाठक ओनली ऑन on रेडियो भरोसा हमारा ना नाम रघुवीर माता है और हम सीलिंग dramatic thriller banana challenge I think every time that we make a film like you're always so worried it's so difficult uh, and um, so I don't think it's only the genre of uh, dramatic thrillers I think any genre Karthik will tell you because he's done more genres than I have done <laughs> but no everything is difficult but I think what is easier is when you have good actors. Uh, and I've been blessed that I've had good actors, Kartik Aryan included. I've had good actors who there certainly in Damaka, and that they given to the system that I have, which is called System 360, where I shoot with many cameras, etc. And I think that is what makes it easier for me when they have a certain trust. I am Arjun Patak, and 24/7. सच को कार्तिक आप अपने काम से हमेशा सरप्राइज करते आए हैं लेकिन इस बार आपने ज्यादा किया है जी खासकर अर्जुन पाठक का जो किरदार है थैंक यू उसके you. लिए किस तरह की तैयारी थी किस तरह की प्रिपरेशन थी प्रवीण कामत जी जिन्होंने प्ले किया है फिल्म में तो वही एक्टिंग भी आ, कोचिंग कर रहे थे और बहुत रिगरेसली मेरे साथ उनकी वर्कशॉप्स होती थी आ, और सर को सारी इन्फॉर्मेशन जाया करती थी एवरी डे जूम कॉल्स में होता था ये सब कुछ प्लस uh, uh, ये ये तो स्क्रिप्ट वाइज डिस्कशंस होते थे या फिर कैरेक्टर आग कैसे जाएगा टोन क्या होगी ये सब चीज़ों पे इसके अलावा बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्टर्स से बिकॉज uh, उस टाइम हम लोग स्टूडियो नहीं जा कर सकते थे पैंडमिक के चलते तो स्टूडियो uh, के विजिट जूम कॉल पे किए थे और उसमें देखा था कि स्टूडियोज़ में अच्छा ये कैसे चलता है ये कैसे हो, होता है रेडियो चौकी रेडियो स्टूडियोज उनकी भी जूम कॉल्स में चीज़ें देखी थी अच्छा ये फ़ोन कॉल है ये म्यूटिंग बटन ये म्यूट बटन है ये uh, फलाना चीज़ें सो आई थिंक बहुत डिटेल्ड में छोटी, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ा गया था मेरे लिए उस सिस्टम में जो इनका सिस्टम है 360 सिस्टम राम सर का उसमें घुसना और उसको अडाप्ट करना मेरे लिए आ, शुरुआत में थोड़ा चैलेंजिंग था इन टर्म्स ऑफ मेरे माइंडसेट पे मैं दिखाता नहीं था कोर्स लेकिन दिमाग में चलता रहता था कि अच्छा ये ऐसे होगा लॉन्ग लॉन्ग शॉट्स चले जा रहे हैं सो so, और ड्रामा चल रहा है उनमें इमोशन चल रहा है कभी पूरा सेटअप ही चेंज हो जा रहा है सेम सीन में पीछे पूरा जो भी चल रहा है वो अलग चल रहा है आपका सीन चल रहा है लेकिन कट uh, नहीं हो रहा है और नो नो आल्सो तो ये सारी जो चीज़ें थी ये बहुत नया था तो आई थिंक ये चैलेंजिंग काफ़ी था आई एम एम रियली सैटिफाइड एंड क्रिएटिवली

जी मैं भी उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इस फिल्म के जरिए कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट इंडियन मीडिया की बात करें तो उसे कितना समझ पाए हैं टी एंकर्स की परेशानी इन सब को लेकर आप दोनों क्या कहेंगे वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल मैं देखता था वो लोग तीन चार घंटे बाहर खड़े रहते थे प्रिव्यू हॉल uh, के बाहर तो हम भी हमिता और मैं बोलते थे अच्छा उनको पानी दीजिए उनको खाना दीजिए बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब एज अ रिपोर्टर एज एन एंकर इट्स इट्स ऑल ऑफ थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट जब मैंने इतना क्लोजली uh, जब बातें की कई रिपोर्टर्स से जैसे मैं प्रेप के टाइम जब बातें कर रहा था आई रियली रियलाइज क्योंकि इतना डिटेल्स में जा रहे थे कि कितना बड़ा जॉब है ये और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है 24/7 अपनी इनफैक्ट फैमिलीज पर्सनल लाइफ तो मेरे को पता नहीं कि कैसे मैनेज होती है आपकी बिकॉज आप प्रोफेशनली पूरे टाइम वहां पर होते हो टोज होते हो और ये एक न्यूज दूसरी न्यूजीज नो हॉलीडेज सो आई वॉज डेली थोड़ा सा मैं वो भी हो गया था कि यार ये या अब तक मैं जब इंटरेक्ट करता था तो मेरा एक रिस्पेक्ट अलग लेवल की बढ़ गई uh, ये फिल्म करते हुए एंड टू थिंक ऑफ इट कि यार ये जॉब बहुत डिफिकल्ट जॉब है सो आई रियली आई एम आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई गेट टू इंटरेक्ट विद सच सच वर्कोहॉलिकॉलिक बिकॉज इट इन टर्न इंस्पायर्स यू ऑल्सो इन अ वे मी ऑल्सो इन अ वे कि यार, uh, Uh, मुझे भी अपने जॉब में इतनी मेहनत करनी है सो आई थिंक ये एक इस फिल्म ने मेरे को बहुत सिखाया इस जॉब इस प्रोफेशन के बारे में एंड एंड यू गाइस रियली टेक इट सीरियसली सो ये तो मैं बहुत सीखा हूँ यार वेलकम टू द शो